केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर एस जयशंकर जी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री देवसिंह चौहान जी, आईटीयू की सेक्रेटरी जनरल, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत पवित्र है। आज से हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष शुरू हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इतने विशाल देश में, विविधता से भरे देश में, सदियों से अलग अलग कैलेंडर्स प्रचलित है। कोल्लम काल का मलयालम कैलेंडर है, तमिल कैलेंडर है, जो सैकड़ों वर्षों से भारत को तिथि ज्ञान देते आ रहे हैं। विक्रम संवत भी 2080 वर्ष पहले से चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में अभी वर्ष 2023 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत उससे भी 57 वर्ष पहले का है। मुझे खुशी है कि नववर्ष के पहले दिन टेलीकॉम, आईसीटी और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। आज यहां इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू के एरिया ऑफिस, और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ की यूनिक जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को भी तेजी से ब्रिज करने में जुटा है। आईटीयू का ये एरिया ऑफिस एवं इनोवेशन सेंटर इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं ग्लोबल साउथ में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के निर्माण को लेकर भारत के प्रयासों को भी ये अत्यंत गतिदायक और गति देने वाला होगा। इससे साउथ एशियाई देशों में
आईसीटी सेक्टर में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी मजबूत होगा और इस अवसर पर विदेश के भी बहुत बहुत मेहमान आज हमारे यहां मौजूद हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को ब्रिज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ्य, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का स्किल और इनोवेटिव मैन पावर, भारत का फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है। इनके साथ ही भारत के पास जो दो प्रमुख शक्तियां हैं वो है ट्रस्ट और दूसरा है स्केल। बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्नोलॉजी को कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते। और मैं तो कहूंगा कि ट्रस्ट, ये टेक्नोलॉजी जो वर्तमान की है उसमें ट्रस्ट एक पूर्व शर्त है। इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल्ड का कायाकल्प कर दिया है। आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई ऑथेंटिफिकेशन होते हैं। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगी है। बीते वर्षों में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे अपने सिटीजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। साथियों, भारत के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मोड ऑफ पावर नहीं है। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है बल्कि मिशन टू एम्पावर है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में यूनिवर्सल है, सबकी पहुंच में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्केल पर
डिजिटल इंक्लूजन हुआ है, अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 25 करोड़ थी, आज ये 85 करोड़, 85 करोड़ से भी ज्यादा है। साथियों, अब भारत के गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों में रहने वाले इंटरनेट यूजर्स से भी अधिक हो गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने कोने में पहुंच रही है। पिछले 9 वर्षों में भारत में सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, इन वर्षों में ही लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। देश भर के गांवों में आज 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सर्विस दे रहे हैं। इसी बात का प्रभाव है और इस सबका प्रभाव है कि आज हमारी डिजिटल इकोनॉमी देश की ओवरऑल इकोनॉमी से भी लगभग 2.5 गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, डिजिटल इंडिया से नॉन डिजिटल सेक्टर्स को भी बल मिल रहा है और इसका उदाहरण है हमारा पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देश में बन रहे हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़े हर रिसोर्स की जानकारी एक जगह हो, हर स्टेक होल्डर के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो। आज यहां जिस कॉल बिफोर यू डिग इस ऐप को लॉन्चिंग हुई है और वो भी इसी भावना का विस्तार है। और कॉल बिफोर यू डिग का मतलब यह नहीं है कि इसको पॉलिटिकल फील्ड में उपयोग करना है। आप भी जानते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिगिंग का काम होता है उससे अक्सर टेलीकॉम नेटवर्क को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस नए ऐप से खुदाई करने वाली एजेंसियां और जिनका अंडरग्राउंड एसेट है उन विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा। इससे नुकसान भी कम होगा और लोगों को होने वाली परेशानियां भी कम होगी। साथियों, आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिन में 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में आज
5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था, लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 5G की जो शक्ति है उसकी मदद से पूरी दुनिया का वर्क कल्चर बदलने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। ये 100 नई लैब्स भारत की यूनिक नीड्स के हिसाब से 5G एप्लीकेशंस डेवलप करने में मदद करेगी। चाहे 5G स्मार्ट क्लासरूम हो, फार्मिंग हो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो या फिर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, भारत हर दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत के 5G I स्टैंडर्ड्स ग्लोबल 5G सिस्टम का हिस्सा है। हम ITU के साथ भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मिलकर के काम करेंगे। यहां जो इंडियन ITU एरिया ऑफिस खुल रहा है वो हमें 6G के लिए सही एनवायरनमेंट बनाने में भी मदद करेगा। मुझे आज ये घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि ITU की वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली अगले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। इसमें भी विश्व भर के प्रतिनिधि भारत आएंगे। मैं अभी से इस इवेंट के लिए आप सबको शुभकामनाएं तो देता हूं, लेकिन मैं इस क्षेत्र के विद्वानों को चुनौती भी देता हूं कि हम अक्टूबर के पहले ऐसा कुछ करें जो दुनिया के गरीब से गरीब देशों को अधिक से अधिक काम आए। साथियों, भारत के विकास की इसी रफ्तार को देखकर कहा जाता है ये डेकेड भारत का टेकेड है।
भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। साउथ एशिया के सभी मित्र देश इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा विश्वास है आईटीयू का ये सेंटर इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर पर, विश्व के अनेक देशों के महानुभाव यहां आए हैं, उनका स्वागत भी करता हूं और आप सबको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।